आज मधुबनी यहाँ से मतलब मेरे गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है और साइकिल से जा रहा हूँ। ये देखिए मैं जा रहा हूँ साइकिल से मधुबनी मार्कशीट लेने के लिए, आर के कॉलेज जा रहा हूँ। यहाँ से मेरे गांव से 15-18 किलोमीटर दूर है लगभग, साइकिल से ही जा रहा हूँ। तो देख लीजिए तो आपने देखा, तो चलते हैं। यहाँ से मुझे लगेगा यही कुछ 1.5 घंटा जाने में लगेगा। तो गाइस आइए मेरे चैनल पे ट्रांटिव ड्यू टेक्निकल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नहीं जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम, 1.5 घंटा के बाद फिर से आते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मैं जा रहा हूँ साइकिल से, आप लोग देख सकते हैं मैं साइकिल से जा रहा हूँ और मैं अभी तक 5 किलोमीटर दूरी तय कर लिया हूँ। ओके दोस्तों, मैं ट्रेंडेड को टेक्निकल में बहुत वीडियो डालता हूँ टेक्निकल जैसा, तो आप लोग आइए उस चैनल पे और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मेरे वीडियो में क्वालिटी भी आता है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले आप तक। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि नया रोड बना है। मैं इससे पहले मैं जा रहा हूँ मार्कशीट इंटर कर लेने, मतलब इंटर मैं पास कर लिया हूँ, सेकेंड डिवीज़न से साइंस रखा था अब तो। और ये इससे पहले ये रोड नहीं बना था, देख रहे हैं आप कि कैसा रोड है, अच्छा बन गया है तो अभी जाने में भी मज़ा आ रहा है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, तो हम चलते हैं कॉलेज की तरफ, तो कॉलेज के बाद हम आपके पास आएंगे। ओके तो आप लोग देख सकते हैं इस रोड का अभी काम चालू है, ये आगे में रोड थोड़ा अभी गड़बड़ ही है, आप लोग देख सकते हैं अभी आगे में काम चालू है। देखते रहिए आप लोग और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमें सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट बिना हम कुछ नहीं हैं। ये देखिए काम चालू है, अभी आधा रोड पे ही चल रहा है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कहीं भी जाइएगा आप तो मास्क लगा के जाइएगा, मैं भी मास्क लगा के जा रहा हूँ क्योंकि कोरोना से सुरक्षा सिर्फ मास्क ही दे सकता है, अभी हर कोई नहीं दे सकता कोरोना से सुरक्षा। तो आप लोग कृपया करके मास्क पहनते रहिए, कहीं भी जाइए पहन के जाइए, ऐसे मत जाइए। ओके चलते हैं कॉलेज की तरफ दोस्तों। तो आप लोग पता है कि मैं साइकिल से क्यों जा रहा हूँ? नहीं पता होगा मुझे, पता भी होगा तो नहीं बोल सकते आप लोग कमेंट में। मैं साइकिल से इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों कि अगर टेम्पो में बैठूँगा या फिर कुछ में बैठूँगा ऑटो में तो आदमी सब रहेगा, औरत रहेगी, सब रहेगा और उससे शरीर में शरीर टच हो जाएगा, उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल कोरोना वायरस हो चुका है, हम लोग पता ही है, साइकिल से ही इसलिए भी आए थे। मेरे मम्मी जो है बहुत मुझे प्यार करती है, आप लोग भी मम्मी होगी, मम्मी प्यार करती होगी, बहुत प्यार करती है। नहीं बोला कि जाओ साइकिल से जाओ, मास्क लगा के जाओ। मैं तो साइकिल से नहीं आता, मतलब आता आधा रास्ता साइकिल से, दूसरे भी साइकिल से और आधा रास्ता टेम्पो से जाता, लेकिन मम्मी बोली कि नहीं साइकिल से जाओ। और मेरे छोटा भाई है, उससे छोटा है, उसका कोचिंग है सीटर, और मम्मी बोली कि वो आज छोड़ देगा, तुम चले जाओ साइकिल से आओ।
एडमिट कार्ड मुझे, मैं इससे 2 महीना पहले एडमिट मतलब दिल्ली गया था, दिल्ली में भूल गए एडमिट कार्ड। मेरे पास सिर्फ 2 कॉपी है, 2 कॉपी है पर्चे का। आप भाई जाना तो पड़ेगा ही, मार्कशीट देगा कि नहीं ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। घूस देना पड़ेगा और क्या, 100-200 रुपया घूस देना पड़ेगा तभी दे पाएगा, क्योंकि बिहार ऐसा ही है, घूस के बिना मानता ही नहीं। कोई आपके पास प्रूफ नहीं है तो घूस जाओ, घूस के बिना नहीं हो पाएगा। तो यही मैं बताने वाला था, ये मेरा पर्सनल मैटर था। मेरे भाई नहीं गए कोचिंग, मेरे मम्मी मुझे भेज दिया साइकिल से। चलिए आगे अभी बहुत सफ़र बाकी है, अभी मैं 8 किलोमीटर दूरी तय किया हूँ, 8 किलोमीटर। चलिए अभी और बाकी है 10 किलोमीटर, चलते हैं हम। और ये देखिए, आप देखते हैं ये है किसान विभाग, किसान का कामकार होता है यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं आर के कॉलेज मधुबनी की तरफ। आर के कॉलेज मधुबनी में सबसे फेमस है, मधुबनी जिला में आर के कॉलेज फेमस सबसे ज़्यादा है, मतलब पूरा बिहार में लगभग 2 नंबर पर आता है आर के कॉलेज। तो आप लोग आर के कॉलेज में आइए, मिलते हैं। ओके, चलते हैं आर के कॉलेज। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, मधुबनी पहुंच चुके हैं। ये देखिए हमारा 13 नंबर गुमती, इसे हम लोग गुमती कहते हैं, 13 नंबर। चलते हैं आगे की तरफ, देखते रहिए। आप लोग देख सकते हैं, देखिए मधुबनी स्टेशन, मधुबनी पटरी के साथ। देखिए आ चुके हम मधुबनी, तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है आर के कॉलेज। तो 2 किलोमीटर के बाद आर के कॉलेज हम पहुँच जाएंगे, आप लोग बने रहिए। दोस्तों आ चुके हम आर के कॉलेज की तरफ, आप लोग देखते रहिए क्या है आर के कॉलेज, बढ़िया से देखते रहिए। चलते हैं कॉलेज की तरफ, परिवेश की बात। और इसमें नियम है कि भाई मास्क पहन के जाओ, हम तो जा ही रहे हैं मास्क पहन के। आप लोग देखते रहिए, देखते रहिए आर के कॉलेज। यहाँ पे जांच ही हो रहा है, आपने देखा यहाँ पे जांच हो रहा है भाई, यहाँ पे टेम्परेचर जांच करना मशीन है, वहाँ पे टेम्परेचर जांच हो रहा था, कोरोना पॉजिटिव कोरोना नेगेटिव टेम्परेचर जांच हो रहा था, कितना टेम्परेचर। आ चुके हैं आर के कॉलेज की तरफ, यहाँ पे हमें मिलेगा एडमिट कार्ड, मार्कशीट। साइकिल को यहीं पर लगा लेते हैं हम, आर के कॉलेज देख लीजिए। दोस्तों आप लोगों को पता है मैं एक अपने सर से मिलने आया था, जिसके पास फिजिक्स पढ़ा था, फिजिक्स के पास सर के पास आया था, लेकिन सर का कोचिंग तो दूसरे जगह हो गया, तो अब तो मुझे मालूम नहीं है कहाँ है, वैसे कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो सॉरी, आप लोगों को सर का मैं चेहरा नहीं दिखा पाया, मैं सोचा चलते हैं कुछ मिलने के लिए सर से, थोड़ा आशीर्वाद आशीर्वाद ले लेते हैं, लेकिन नहीं मिला।
और दूसरे सर के पास, नेक्स्ट के सर के पास जाते हैं, देखते हैं वो मिला मिलता है कि नहीं। पता है दोस्तों, मैंने लिया ये बिस्कुट, तो बिस्कुट तो लिया। मम्मी बोली कि भाई बिस्कुट बेटा बिस्कुट ले लेना, खा लेना तुम तो। मैं बोला कि भाई मम्मी कुछ नहीं खाऊंगी, तो मम्मी तो ज़बरदस्ती साबुन दे बेटा कहीं पे दिखाता हूँ कुछ लोगों को साबुन। साइकिल में मेरी मम्मी साबुन दे दिया। दोस्तों हमें मार्कशीट मिल गया है, बढ़िया कॉलेज है, आर के कॉलेज तुरंत मिल गया। देख लीजिए तुरंत मार्कशीट मिल गया, आप लोग देख सकते हैं। यही है हमारा सफर 20 किलोमीटर का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।